हेलो दोस्तों, इजी टू लर्न बाय वी राकेश चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने चैनल के माध्यम से बहुत सारे देवी देवताओं के कवच, स्तोत्र आदि सरल करके लाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साधकों और नए लोगों को इससे लाभ हो सके। आज हम आप लोगों के लिए भगवान श्री भैरव का एक तांत्रोक्त कवच लेकर आए हैं। साधना के क्षेत्र में भगवान भैरव का कवच एक बहुत ही विशिष्ट स्थान रखता है, और उसमें भी यह तांत्रोक्त कवच बहुत ही विशिष्ट है, बहुत ही प्रभावशाली है। बहुत सारे लोग घर में भी इस कवच आदि का पाठ करते हैं, अपने अपने घर परिवार की सुरक्षा और भैरव भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए इस कवच का पाठ किया जाता है। बहुत सारे लोग कवच आदि की सिद्धि भी करना चाहते हैं, तो इसके लिए उन्हें किसी उच्च कोटि के तंत्र गुरु से परामर्श लेना उचित रहेगा। अन्यथा घर में पूर्ण भक्ति, श्रद्धा और सात्विक विधि से ही कवच का पाठ करें। तो पाठ प्रारंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। सहस्त्रारे महाचक्रे कर्पूर धवले गुरु पातु माम बटुको देवो भैरव सर्वकर्मसु पूर्वस्याम असीतांगो माम दिशि रक्षतु सर्वदा आग्न्याम च रुरु पातु दक्षिणे चंड भैरव नैऋत्याम क्रोधनः पातु उन्मत पातु पश्चिमे वायव्याम माम कपाली च नित्यं पायात सुरेश्वर भीषणो भैरव पातु उत्तरास्याम तु सर्वदा संहार भैरव पायाद ईशान्याम च महेश्वर ऊर्ध्वम पातु विधाता च पाताले नंदको विभु सद्यो जात अस्तु माम पायात सर्वतो देव सेवित राम देवो वनान्ते च वने घोरस्तथावतु जले तत्पुरुषः पातु स्थले ईशान एव च डाकनी पुत्र कः पातु पुत्रान मे सर्वतः सर्वतः प्रभु हाकनी पुत्र कः पातु दारास्तु लाकनी सुतः पातु शाकनी का पुत्र सैन्यम वै काल भैरव मालिनी पुत्र कः पातु पशून अश्वान गजास्तथा महाकालो अवतु क्षेत्रम श्रीयम मे सर्वतो गिरा वाद्यम वाद्य प्रिय पातु भैरवो नित्य संपदा। तो इस कवच में अष्ट भैरव का नाम आया है, जैसे असीतांग, रुरु, चंड, क्रोध भैरव, उन्मत भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव, और इसमें भगवान शिव के भी बहुत सारे नाम हैं, महेश्वर, सद्योजात, तत्पुरुष, ईशान, और इसमें कुछ कुंडलिनी माता शक्तियों के भी नाम हैं, डाकनी, हाकनी, लाकनी, शाकिनी। तो इन सभी शक्तियों से साधक सभी दिशाओं से और अपने पुत्र आदि पशु आदि की रक्षा के लिए आग्रह कर रहा है। तो यह बहुत ही प्रभावशाली कवच है। भगवान भैरव के बारे में कुछ जानकारी आपको पीडीएफ की फाइल में भी मिल जाएगी। धन्यवाद।